क्या शब्दों और एक लिखित लिखित शब्द में बंधी कविता पुस्तकों में छपी कविता मंचों पर सुनाई जाने वाली कविता अगर सोशल मीडिया पर सुनाई जाने लगी तो ये उस मंच का विस्तार हो रहा है अशोक जी या फिर उस मंच को छोटा कर रहे हैं एक, एक एक तरह से मैं कहूं कि एक पारंपरिक साहित्यकार होने के नाते आपको आप जब पढ़ते हैं सोशल मीडिया पर वो कविताएं आपके मन को प्रसन्न करती है या आपको लगता है कि नहीं मैं विक्षुब्ध हूं अच्छा नहीं लगा देखिए मैं तो इतना पारंपरिक हूं कि सोशल मीडिया को पढ़ता ही नहीं है मुझे वो सुविधा प्राप्त नहीं है मेरा मन नहीं लगता मैं तो किताब पढ़ने वाला आदमी हूँ एक बात दूसरी बात यह है कि कविता के प्रचार प्रसार के माध्यम सोशल मीडिया में बढ़े अवसर भी बढ़े पर ध्यान रखिए यही सोशल मीडिया है जो झूठ भी फैलाता है नफरत भी फैलाता है हिंसा भी फैलाता है प्रतिशोध की भावना भी फैलाता है तो एक उसका लोकतांत्रिक पक्ष भी है एक उसका लोकतंत्र विरोधी पक्ष भी है और इसको ध्यान में रखना जरूरी है पर हमने बहुत पहले मध्य प्रदेश में ये प्रयोग किया था लोग कहते थे कि आधुनिक कविता लोगों की समझ में नहीं आती अव्वल तो समझ का क्या मतलब है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया लेकिन बहरहाल समझ में नहीं आती तो नहीं आती तो हमने प्रयोग किया कि जो जो कठिन समझे जाने वाले कवि हैं उनको हम प्रस्तुत करें तो ये जो हमारी जिसमें 200-250 लोग होते थे एक कला वीथिका में लोग नीचे बैठते थे और सुनने वालों में कई बार कुमार गंधर्व तक होते थे सोचिए तो ये जो 200-250 लोग होते थे ये चार चार घंटे बैठ के कविता सुनते थे तो सवाल ये है कि कविता की पुकार को आगे ले जाने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, है। रहा है। नहीं हो रहा है कम हो रहा है देखिए आपके इसी आयोजन में मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि शुद्ध साहित्य शुद्ध मतलब साहित्य पर केंद्रित दो ही सत्र हैं एक ये है और संभवतः जिसमें नंदकिशोर आचार्य और लीलाधर जगूड़ी है तो अब आप तीन दिन का आयोजन करते हैं उसमें कविता को दूर तक पहुंचाने का प्रयत्न कम है तो एक तो ये बात हुई दूसरी बात यह हुई कि एक स्तर पर कविता निराशा का कर्तव्य है हम तो पुकारेंगे हम आपके अंदर जो मनुष्यता है जो साहस है जो अंतकरण है जो सौंदर्य बोध है जिनको आजकल राजनीति धर्म मीडिया बाजार तरह तरह के शोरगुल में दबा रहा है उसको हम पुकारेंगे तो और ज्यादातर हमारी पुकार अनसुनी जाएगी क्योंकि जो माध्यम इस पुकार को आगे ले जा सकते थे या ले जाना चाहिए जिन्हें एक सहज कर्तव्य के रूप में वो ऐसा नहीं करते उनके और अपने सरोकार हैं तो फिर भी हम अपनी आवाज उठाएंगे आवाज उठाना ज़्यादा जरूरी है और अकेलेपन से घबराना भी नहीं चाहिए दुनिया उन्हीं लोगों ने बदली है जो अकेले पढ़ गए थे लेकिन अकेले पढ़ने से घबराते नहीं थे तो हम लोग ये एक ऐसा समाज बन गया खासकर हिंदी समाज ये शायद बांग्ला समाज उर्दू भाषी समाज कन्नड़ समाज मराठी समाज इन समाजों के बारे में सही नहीं है वहाँ कविता की अभी भी जगह है अच्छी और महत्वपूर्ण कविता की लोग सुनते हैं समझते हैं पढ़ते हैं सराहते हैं हिंदी में धीरे धीरे ये कम हो गया है उसके कारणों में अभी जाना जरूरी नहीं है हमारे पास समय नहीं है पर बहरहाल जैसा मैंने कहा हम निराशा का कर्तव्य पूरा करेंगे हम अपनी आवाज उठाएंगे हम पुकारेंगे हमारी पुकार से कोई जागेगा कि नहीं जागेगा हमारी दस्तक से कोई अपना दरवाजा खोलेगा कि नहीं खोलेगा हमारी चीख से किसी को दुख होगा कि नहीं होगा इसकी परवाह ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो परवाह हमको तरह तरह के समझौते करने की ओर ले जाएगी जो हम कवि के रूप में अपनी नैतिक बुद्धि के साथ समझौता नहीं कर सकते